जीनू जल्दी से सुनहरी पहाड़ी पर चलो। जोखम मेरे आका। जीनू मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैं नहीं रो रहा था। क्या मुसीबत है? खुश चलिए ना आका। चलो हम बस पहुंचने ही वाले हैं अब्बू, बस थोड़ी देर और। अगर मेरा बस चलता तो अपनी सारी हड्डियां तोड़ के आपकी अब्बू को दे देता और उन्हें बड़ा बना देता। आका वो देखिए, उस पहाड़ पर सूरज की रोशनी गिर रही है और उसे सुनहरा बना रही है। हाँ वही तो है सुनहरी पहाड़ी। पर इतनी ऊंची पहाड़ी पर आबे हयात का पानी ढूंढेंगे कैसे? पूरे पहाड़ पर थोड़ी ना ढूंढना है, हमें तो बस गुफा ढूंढनी है जिसमें आबे हयात का फवारा है। अब्बू हम बस पहुंचने ही वाले हैं, बस थोड़ी देर और। जल्दी करो चीनू, सुल्तान की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। जो हुक्म मिले आका। पूरी गुफा, हाँ यही तो है सुनहरी पहाड़ी। तो कोई फवारा नहीं है और आगे होगा शायद। मुझे तो लग रहा है हम गलत रास्ते पर आ गए, ऐसे वीराने में फवारा थोड़ा हो सकता है। हमें थोड़ा और आगे चलकर देखना चाहिए। चलो वो देखो, आबे हयात का फवारा। रुक जाओ, क्या आवाज कहां से आई? पता नहीं। कौन है? कौन है? कौन है? रुक जाओ। इतना छोटा सा चिन, अरे से तो बच्चा भी हाथ मार दे। चलो आगे चलते हैं। वापस चले जाओ वरना जान ले लूंगा तुम सबकी। ए किसे धमकी दे रहे हो? हमें? पूरी आंखें किसको दिखाता है? हैं? पहले से इतना है, एक हाथ मारूंगा ना और आधा हो जाएगा। हाथ तो लगाकर दिखाओ, फिर पता चलेगा कौन किसको आधा करता है। अच्छा इधर आते। हम जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उसे पूरा किए बगैर हम नहीं जाएंगे, चाहे उसके लिए हमें तुमसे लड़ना भी पड़े। कुछ ही देर में, बस कुछ ही देर में सब यहाँ से तुम दबाकर भागोगे। चलो जनाब, रुक जाइए आका, इससे लड़ने में मुझे ज्यादा मजा आएगा। तुम कुछ दुम दबाने के बारे में कह रहे थे ना, अब देखो। अच्छा तो ये ले,
जिनू अब इसे संभाल। मजा आया। इसका क्या करेगा? वाह! शौक से फव्वारे को देख लो, लेकिन लेकिन आबे हयात का पानी तुमको नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलेगा? आगा, आप फिक्र मत कीजिए, ये तो बस ऐसे ही हारने के बाद बड़बड़ा रहा है। आप आगे बढ़िए और आबे हयात का पानी ले लीजिए। चाहिए चाहिए। आखिर हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, क्या सचमुच ये आबे हयात है? अगर यकीन नहीं हो रहा तो छू कर देख लो। हो क्या रहा है? अगर हम पानी को छू भी ना पाए तो अबू तक कैसे पहुंच जाएंगे? हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। बड़ी बत्ती सी निकाल के आते हैं, ऐसा घूसा मारूंगा कि तेरे सारे दांत बाहर निकल आएंगे। रुक जाओ जिनू, इसे जरूर कुछ पता है। ये पानी छूते ही गायब क्यों हो जाता है? ये पूछो कि क्या करने से गायब नहीं होगा? तुम्हें पता है? ये राज सिर्फ मैं जानता हूँ सिर्फ। तो फिर बताओ मुझे, हमें आबे हयात कैसे मिलेगा? नहीं बताऊंगा, नहीं बताता है या तुम्हारी गर्दन दबाऊंगा। रुक जाओ जिनू, उसे कुछ मत करो। अगर इससे कुछ हो गया तो मैं सुराख के बारे में कौन बताएगा? सुराख को तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा। देखिए, अगर हमें आबे हयात का पानी नहीं मिला तो मैं अपने अब्बू को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी। इससे इतनी अदब से बात करने की कोई जरूरत नहीं है शहजादी।
सीधी तरह हमें सुराग का पता बता दो, वरना सुल्तान के खोने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। मैं फिर भी नहीं बताऊंगा। अब क्या होगा अलादीन? सबसे पहले तो इसका काम तमाम होगा। ये तुम क्या कर रहे हो जिनू? इसकी हालत पहले से इतनी नाजुक है और तुम उसे और मारना चाहते हो? तो क्या इसे लड्डू खिलाओ? देखो, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुम बस मुझे इतना बताओ कि हम आबे हयात कैसे पा सकते हैं, उसके बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे। इतनी मार पड़ने के बाद मैं वैसे भी मरने वाला हूँ। कम से कम ये राज तो अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। चलो अब इतना बता देता हूँ कि आबे हयात को पाने का सुराग इस गुफा के अंदर है। खोज सको तो खोज लो। ये तो गया और साथ साथ राज भी गया। इंसानी महक, यानी वो सुनहरी पहाड़ी की तरफ ही गए। अबू की तबीयत लगातार खराब होती जा रही है। हम इस तरह हार नहीं मान सकते। अगर वो सुराग इसी गुफा में है तो हम उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे। उस जिन ने कहा और तुमने मान लिया अलादीन? मुझे तो लग रहा है वो जिन सरासर झूठ बोल रहा था। नहीं जुनैद, आखिरी वक्त पर कोई झूठ नहीं बोलता, भले उसने अपनी जिंदगी में कितने भी बुरे काम क्यों ना किया हो। मुझे लगता है हमें वो सुराग यही मिलेगा। जिनू, ये आका अपने कटोरे में क्यों नहीं देखते? जो हुकुम मेरे आका। आका, इसमें तो अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। हाँ, जब काम की बारी आई तो इस भोंदू को सिर्फ अंधेरा ही दिखने लगा। अब कहोगे आका मुझे नींद आ रही है, मुझे चिराग के अंदर जाना है। मैंने ऐसा कब कहा? अभी अगर इस कटोरे की ताकत इस जगह में कम होती जाती तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? हाँ हाँ, बना लो बातें नौटंकी बास। जिल्लम शेख अगर फराटे खान चुप। बस पहले हम सबको मिलकर वो सुराग ढूंढना चाहिए, फिर तुम दोनों को जितनी बहस करनी है कर लेना। मैं भी सुराग ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। नहीं जैस्मिन, ये तुम्हारा काम नहीं है। क्यों? अगर तुम ये सब कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं? तुम समझती क्यों नहीं? इतने भारी पत्थर तुम अपने नाजुक हाथों से कैसे उठाओगी? और ऊपर से ये धूल मिट्टी। मैं तुम सबसे अलग थोड़ी ना हूं, वैसे भी मेरे हाथ मोम के बने हुए नहीं है, और ये सब तुम लोग मेरे लिए तो कर रहे हो। नहीं, ये सब मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। और इस वक्त मुझे उस लम्हे का इंतजार है जब तुम्हारे अब्बू ठीक हो जाएंगे और तुम्हारी मुस्कुराहट वापस आ जाएगी। चलो तलाश शुरू करते हैं। We'll be right back.
तुम ठीक तो हो ना? अब बहुत हो गया, अब तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। मैंने कहा था ना ये काम तुम्हारे लिए नहीं है, इसके लिए मैं हूं ना। हाँ लेकिन तुम्हारे हाथ में भी तो कोई बहस नहीं, तुम्हें मेरी कसम। अब तुम बैठो, मैं ढूंढूंगा। ठीक है। ये देखो, इस पत्थर को देखो, ये तो कोई 500 साल पुरानी लिखावट लगती है। इसे पढ़ेगा कौन? 500 साल के उस्ताद। 500 साल के उस्ताद? वो कौन है? 500 साल पुरानी कहानी, बूढ़े उस्ताद की जुबानी। तो छुट्टी है? नहीं उस्ताद, अभी तो आपको पढ़ाई शुरू करनी है। अब उस्ताद, दरअसल हमें इस पत्थर की लिखावट को समझने में आपकी मदद चाहिए थी। आप हमें पढ़कर बताइए ना क्या लिखा है। आबे हयात को सिर्फ जामे जमसाद की मदद से ही हासिल किया जा सकता है। वो जामे जमशाद जो सुल्तान जमशेद के ताबूत के अंदर छुपा है। अब क्या इसमें ये भी लिखा है कि सुल्तान जमशेद के ताबूत तक कैसे पहुंच सकते हैं? वहां तक पहुंचने का रास्ता इसी गुफा में है। जो भी उस रास्ते का पता लगा लेगा वही ताबूत के कमरे तक जा सकता है। अगर कोई उसके साथ गया तो ना ही जामे जमशाद हासिल होगा और ना ही उनके जिंदा वापस आना पक्का होगा।